लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सीधा रुख करते हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की तरफ, जहां अमृत महोत्सव के ऊपर प्रखंड तुरकौलिया एवं हरसिद्ध के PSC शिक्षकों ने 13 अगस्त को बापू की कर्मभूमि एवं प्राचीन जगहों पर अपने अपने विद्यालय के बच्चों के साथ तिरंगा फहराने का फैसला लिया है। साथ ही तिरंगे को लेकर घर घर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें, संवाददाता दयाकांत गिरी ने हरसिद्ध एवं तुरकौलिया प्रखंड से आए शिक्षकों से अमृत महोत्सव के बारे में जानना चाहा, तो प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए सभी ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों को यह शिक्षा प्रदान करता है कि तिरंगा देश की शान है और इसे समझें और इसकी गरिमा के लिए इस अमृत महोत्सव में सभी भाग लें। प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह के साथ राम बाबू गिरी, शशि भूषण सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। देखिए यह खबर संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी। अभी मैं तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत शशि भूषण सिंह के निवास के जीरो ग्राउंड पर उपस्थित हूँ, जहाँ आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता होनी है। आइए अंदर चल के जानते हैं यहाँ जो भी शिक्षक संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। घर पे झंडा लगाया जाए और तिरंगा के महत्व का मान सम्मान बढ़ाया जाए, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे तुरकौलिया के अनेक संचालक महोदय बैठे हुए हैं। इनका अपना अपना स्कूल है, जो मुख्य रूप से बहुत सारा स्कूल है, और सभी संचालक हम सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम परशुराम पंडित है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सेक्रेटरी तुरकौलिया है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी से। सर, घर घर हरसिद्धि प्रखंड से सर, कुछ विद्यालय संचालक बैठे हुए हैं जो अमृत महोत्सव के बारे में सोच करके और इसको हर घर झंडा फहराने का निर्णय लिया। सर, अपना नाम और परिचय दे दिया। ठीक है सर, नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी से। नमस्कार जी सर। इस वर्ष ये जो हमारे देश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी सर, हम सभी तुरकौलिया PSA के सभी विद्यालय संचालकगण आज माननीय शशि भूषण भाई के आवास पे हम लोग उपस्थित हुए हैं जी सर, और एक विशेष उपलब्धि लाने के लिए जी सर, एक अच्छी संगठन के माध्यम से हम लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें सरकार की इस मिशन को सक्सेस किया जा सके और हम PSA वाले सभी लोग मिलकर इस मिशन को निश्चित रूप से सफल करने का संकल्प ले रहे हैं। सर, अपना नाम और परिचय दे दीजिए। हम हैं उमेश कुमार सुमन, डायरेक्टर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल महानगर। ठीक है सर, नमस्कार सर। थोड़ा लंबा बना दीजिए। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी से। नमस्कार सर। सर जी, बोला जाए सर, बोला जाए। हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तुरकौलिया और हरसिद्धि से जुड़े हुए हैं, और इस बार जो है 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर झंडा को फहराने और लहराने का विचार विमर्श पर हम लोग बैठक बनाए हुए हैं कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों घर घर तक और लोगों को विचार दिया जाए कि तिरंगा का क्या महत्व होता है जी सर, इसके विषय में हम लोग बैठक बनाए हुए हैं। सर, अपना नाम और परिचय बता दिया। मेरा नाम वीर बहादुर प्रसाद यादव, श्री आर्यन विद्यापीठ स्कूल उज्जैन लोहियार गायघाट। ठीक है सर। अभी आप देख रहे थे हमारे आर एन भारत टीवी के स्क्रीन पर तुरकौलिया एवं हरसिद्धि प्रखंड के जो भी डायरेक्टर हैं विद्यालय के आए हुए हैं, जो अमृत महोत्सव को लेकर के चर्चा किए हैं और घर घर झंडा फहराने का जो यानी जागरूकता अभियान चलाया गया है। नमस्कार, दयाकांत गिरी के साथ। नमस्कार जी सर। आज शशि भूषण जी की यहाँ हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें करीब करीब एसोसिएशन के सभी डायरेक्टर लोग शामिल हुए। इसमें मुख्य निर्णय लिया गया कि 3 तारीख को गांधी घाट के पास बच्चों का एक 13 तारीख से 13 अगस्त गांधी घाट में सुबह 7 से 9 बजे के बीच में बच्चों को जागृत करने के लिए, देश प्रेम का भावना को जागृत करने के लिए जो सरकार की मुहिम है, उसमें सभी प्राइवेट स्कूल संघ के जो संभव होगा वो बच्चे जाएंगे, और जो विद्यार्थी देहाती क्षेत्र में है वो अपने क्षेत्र में झंडे का महत्व को बताएंगे और बच्चों को इससे जागृत करेंगे। थैंक यू। ठीक है सर। सर, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मंगल सिंह हुआ, प्राइवेट स्कूल तुरकौलिया प्रखंड के अध्यक्ष। ठीक है सर, नमस्कार।